गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं शारदा प्रसाद। आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 3 जीव जगत का वर्गीकरण का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्हिटेकर ने समस्त जीवधारियों को 5 जगत में वर्गीकृत किया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इन जो 5 जगत हैं इनकी क्या विशेषताएँ हैं, जिसमें पहला है मोनेरा किंगडम। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटी जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्किबैक्टीरिया को सम्मिलित किया गया है, जिसमें पहली विशेषता है कि सभी जीव एक कोष की प्रोकैरियोटी होते हैं। दूसरा है केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला का अभाव होता है, यानी कि स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता। अगला है कि कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि कोशिकांगक नहीं पाए जाते। अगला है कुछ मोनेरा सहजीवी होते हैं, यानी सिम्बायोटिक टाइप्स के, जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कुछ मोनेरा अपघटक यानी डिकम्पोजर्स का काम करते हैं, जो सड़े गले पदार्थों को उनके सरल तत्वों में तोड़ने का काम करते हैं। अगला है प्रोटिस्टा। इस जगत में मुख्यतः एक कोष की यूकैरियोटी जीवों को रखा गया है। इसमें कोशिकांग जैसे केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फ्लैजला आदि पाए जाते हैं। सिलिया व कसाभों में सूक्ष्म नलिकाएं 9+2 की व्यवस्था में पाई जाती हैं। ये अधिकतम स्वच्छ जलीय या सागर में वास करते हैं। अगला है कि ये मुख्य रूप से स्वपोषी व विषमपोषी। स्वपोषी मीन्स यहाँ पे फाइटोप्लैंकटन, विषमपोषी यानी जूप्लैंकटन जो होते हैं, दोनों ही प्रकार के होते हैं। फाइटोप्लैंकटन में सेल वाल पाई जाती है, जबकि जूप्लैंकटन में सेल वाल अनुपस्थित होती है। अगला है पादप या प्लांटी किंगडम। इस जगत में समस्त बहुकोष की पादप सम्मिलित हैं, जैसे लाल, भूरे व हरे शैवाल, मॉस, फर्न तथा बीजधारी पौधे। इनमें कोशिका भित्त पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। कुछ पुष्पी पादप जो होते हैं वो विषमपोषी भी होते हैं, जो दूसरे पौधे पर पूर्ण रूप से परजीवी या आंशिक रूप से परजीवी होते हैं। अगला कवक या फंजाई किंगडम। यह विषमपोषी बहुकोष की यूकैरियोट्स हैं। विषमपोषी मतलब दूसरे पर आश्रित होते हैं। इनका शरीर शाखित एवं तंतुवत कवक तंतुओं हाइफी का बना होता है, यानी कि इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो तंतुओं का बना होता है, जिनको हाइफी कहा जाता है। कवक तंतु मिलकर एक जाल बनाते हैं, जिसे कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। ये परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं। कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जो कि इनका इम्पोर्टेंट लक्षण है।